हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम इन नव भारती फैमिली। नव भारती परिवार में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक अभिनंदन है। अपन बात कर रहे थे एवरेज पीरियड मेथड की। पिछले वीडियो के अंदर मैंने जो टाइम लिया था, 4 पीरियड ऑफ 12 मंथ्स लिया था, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। इस वीडियो के अंदर अपन देखेंगे कि यदि पीरियड 6 मंथ्स का है तो आईओडी कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूलाज वही रहेंगे। 3 पार्टनर है, एक्स, वाई और जेड। एक्स हर महीने के बिगिनिंग के अंदर 4000 रुपये की ड्रॉइंग्स करता है, वाई हर महीने के एंड में 3000 रुपये निकालता है, जबकि जेड हर महीने के बीच में 2000 रुपये की ड्रॉइंग्स करता है। 1 जनवरी 2020 को इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, 30 जून 2020 को ये खाते बंद करते हैं। फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द 30th जून आफ्टर 6 मंथ्स। अगले 6 महीने कब होंगे? 31 दिसंबर 2020 को फिर ये एक बार फाइनल अकाउंट बनाएंगे, यानी कि साल में 2 बार। मोस्ट इम्पोर्टेंट इज द क्लोजिंग डेट फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 2020। एक्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले पीरियड कैलकुलेट करेंगे। पीरियड का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? टोटल पीरियड यदि हर महीने के शुरू में ड्रॉइंग्स होती है तो इंटरवल ऐड होती है। एक्स 4000 रुपये हर महीने के शुरू में निकालता है तो ऐड इंटरवल अपॉन 2। इस एग्जाम्पल में टोटल पीरियड कितना है? 12 महीने नहीं होके 6 महीने का है, तो 6 मंथ्स प्लस गैप कितने का है? 1 महीने का। हर 1 महीने के इंटरवल से ड्राइंग्स करते हैं तो 6 upon 1 upon 2 = 7 upon 2 2 3 = 6.25 = जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो कितने पीरियड के लिए करेंगे? 3.5 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट स्टेप ये है हर क्वेश्चन के अंदर, और सेकंड स्टेप के अंदर अपन आईओडी कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा। फॉर्मूला क्या था? टोटल ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द पीरियड। जितनी बार भी आप क्वेश्चन करें फॉर्मूले को बार बार लिखें, उससे आपको याद हो जाएगा। टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई टाइम अपॉन 12। मैं जो आईओडी के रेट ले रहा हूँ इस बार 8% पर एनम, 8% वार्षिक की दर से अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूले के अंदर फिगर रखेंगे, टोटल ड्रॉइंग्स कितनी होगी। ए हर महीने के शुरू में 4000 रुपये निकाल रहा है तो 4000 रुपये, और पीरियड कितना है? 6 महीने तक वो ड्रॉइंग्स करता है, 4000 मल्टीप्लाइड बाई 6। ये क्या हो गया? ये हो गया टोटल ड्रॉइंग्स। इसके बाद में रेट मैंने कितनी ली है? 8% पर एनम, 8 upon 100 इंटू टाइम हाउ मच? 3.5 मंथ, 3.5 महीने, 3.5 महीने अपॉन 12। पॉइंट को रिमूव करूंगा तो यहाँ नीचे 1 0 आ जाएगा। अब 00 से 00 कैंसिल हो गया, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। इसके बाद में 6 2 = 12 2 4 = 8, क्या बचा? 4 multiplied by 4 and multiplied by 35। 4 * 16 को कितने से गुना करेंगे? 35 से 16 * 5 = 80 की 0 8, 16 * 3 = 48 और 8 = 56 रुपये। कितना आंसर आया? 560 रुपये। 560 रुपये विदाउट फॉर्मूला। एक बार और बताऊंगा, इसके बाद में मैं आपको नहीं बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको 3 बार बता दिया, चौथी बार लास्ट बार और बता रहा हूं। 6 महीने की ड्रॉइंग्स कितनी थी? 4000 * 6
ड्राइंग्स हुई 24,000 रुपये की 6 महीने के अंदर, टोटल ड्राइंग्स रेट क्या है 8% पर एनम। सबसे पहले क्या करेंगे, 1% कैलकुलेट करेंगे, तो 1% के लिए ये मैंने पॉइंट दो अंकों के बाद में लगा दिया, 1% कितना आ गया 240, और 8% कितना हो जाएगा 800, 8 चौक 32 का 2 3 8 2 16 8 3 1920, साल भर का इंटरेस्ट कितना हुआ 1920, और अपन को 3.5 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो 12 महीने का ब्याज 1920 रुपये, इसलिए 1/12, और इसलिए 3.5 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए 3.5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, पॉइंट रिमूव करूंगा, अपॉन 10 आ जाएगा, 0 0 कैंसिल, 2 9 जा, 2 9 18 और 1 बचा, 2 6 12, 96 को 35 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 6 30 की 0, 3 5 9 45 और 3 48, 3 6 18 का 8, 1 3 9 27 और 1 28, तो स्टूडेंट्स टोटल ड्रॉइंग्स कितनी थी 4,000 रुपये के हिसाब से 6 महीने के अंदर 24,000, रेट है 8% पर एनम, 1% कितना हो गया 240 रुपये, 8% के लिए 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 240 × 8 कितना आ गया 1920, 12 महीने का इंटरेस्ट 1920, इसलिए 1/12, तो 3.5 महीने का कितना × 3.5, पॉइंट को हटाने के लिए पॉइंट के नीचे 1 आ गया, 0 आ गया, 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, 12 से इसको काट दिया, 12 एकम 12, 7 बचे, 12 6 72, 16 को 35 से गुना करूंगा, तो 16 5 80 की 0 8, 16 3 48 और 8 56, वही 560 रुपये अपना आंसर आ जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, वाई का कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स इसी तरह से अपन वाई के लिए आईओडी कैलकुलेट करेंगे, एज पर आवर एग्जाम्पल वाई ₹3,000 एट द एंड ऑफ द ईच मंथ, वाई हर महीने के एंड में 3,000 रुपये निकालता है, पीरियड के लिए क्या लिया है 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2020, 6 महीने, पहली ड्रॉइंग्स कब करेगा 31 जनवरी को एंड में, फिर 28 फरवरी या 29 फरवरी को, फिर मार्च के अंदर, पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हर महीने के एंड में है, तो पिछले के अंदर अपन ने इंटरवल को ऐड किया था, अब इंटरवल माइनस हो जाएगा, टोटल पीरियड कितना 6 मंथ्स माइनस इंटरवल कितना गैप 1 महीने का अपॉन 2, 6 - 1 5/2 इज इक्वल टू, जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो अपन कैलकुलेट करेंगे कितने पीरियड के लिए, 2.5 महीने के लिए, 2.5 मंथ्स। अब अपन अप्लाई करेंगे फॉर्मूला आईओडी, आईओडी का फॉर्मूला याद हो गया होगा, टोटल ड्रॉइंग्स, टोटल ड्रॉइंग्स 1 महीने की ड्रॉइंग्स कितनी है 3,000 रुपये, इसलिए 6 महीने के अंदर मल्टीप्लाइड बाई 6, 6 3 18,000 रुपये ड्रॉइंग्स हो गई, इंटू रेट कितनी ली 8%, 8% अपॉन 100 इंटू टाइम कितना है 2.5 मंथ्स अपॉन 12, टाइम अपॉन 12, इसके बाद में पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ 1 0 आ जाएगा, अब सिंगल 0 से ये 0 कैंसिल, डबल 0 से ये डबल 0 कैंसिल हो जाएगा, अब यहाँ देखो 6 1 जा एंड 6 2 जा, 2 4 जा, ऊपर क्या बचा 3 × 4 × 25, 3 4 जा 12 × 25, 12 5 जा 66, 12 2 जा 24 + 6 300, 12 5 जा 60 की 0, 6 12 2 24 और 6 30 आंसर। इस तरह से यदि बिगिनिंग में है तो इंटरवल ऐड होगा, और एंड के अंदर है तो इंटरवल माइनस होगा, और यदि मिडिल के अंदर ड्रॉइंग्स है तो पीरियड हाफ हो जाएगा। अब अपन जेड का कैलकुलेट करके देखेंगे, जेड के लिए आईओडी कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट स्टेप के अंदर अपन पीरियड वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसा पहले किया था, जेड
2000 इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ, हर महीने के मध्य में 2000 रुपए निकालता है पर्सनल यूज के लिए। तो पीरियड का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, टोटल पीरियड अपॉन टू, देयर इज नो रोल ऑफ इंटरवल। टोटल पीरियड इस एग्जांपल के अंदर 6 मंथ्स है, तो 6 अपॉन 2 जो ब्याज लगेगा वो 3 महीने का ब्याज लगेगा, 4 3 मंथ्स। अब वापस अपन फॉर्मूला रखेंगे, आईओडी इज इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग्स, टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू T4 टाइम अपॉन 12। टोटल ड्रॉइंग्स हर महीने के बीच में 2000 रुपए निकालता है, 1 महीने के अंदर 2000 रुपए, तो 6 महीने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 दुनी 12000, रेट की जगह क्या आ जाएगा 8% अपॉन 100 इंटू टाइम कितना था, जस्ट हाफ, 6 महीने का हाफ कितना हो जाएगा 2 अपॉन 12 टाइम अपॉन 12 3 मंथ्स, हाफ पीरियड कितना था 3 मंथ्स, तो 3 अपॉन 12। अब ये 00 से ये 00 कैंसिल हो गया, 6 2 जा 12 2 4 जा 8, ऊपर क्या बचा 20 मल्टीप्लाइड बाई 4 एंड मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 20 × 12 12 × 24 240 रुपए आंसर आ जाएगा। इसी तरह से ये पीरियड यदि 6 मंथ्स का है तो अपन पीरियड कैलकुलेट करते समय क्या करेंगे, टोटल पीरियड के अंदर 6 मंथ्स की जगह 9 मंथ्स अप्लाई कर देंगे, यदि बिगिनिंग में है तो 9+1, और यदि एट द एंड ऑफ ईच मंथ है तो टोटल पीरियड माइनस इंटरवल, तो 9 − 1/2, तो इंटरेस्ट 8/2 इज इक्वल टू 4 महीने के लिए अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। और इसी तरह से यदि पीरियड 9 मंथ्स का है, ये सपोज 1 जनवरी 2020 को बिजनेस स्टार्ट किया, तो 9 मंथ्स का पीरियड कब होगा, 30 सितंबर 2020 को खाते बंद होंगे, तो पीरियड कितने रुपए का हो गया 9 मंथ्स का। फॉर्मूले के अंदर टोटल पीरियड के अंदर यदि 12 मंथ्स है तो 12 मंथ्स रखेंगे, 6 मंथ्स है तो 6 मंथ्स रखेंगे, यदि 9 मंथ्स है तो फॉर्मूले के अंदर 9 मंथ्स रखेंगे। और आईओडी कैलकुलेट करने के लिए वही फॉर्मूला होगा, टोटल ड्रॉइंग्स महीने की जो ड्रॉइंग्स है उसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 महीने की ड्रॉइंग्स आ जाएगी, टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम अपॉन 12। इस तरह से इस औसत अवधि विधि के अंदर एक समान राशि, एक निश्चित अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट, सिमिलर अमाउंट्स आर विड्रॉन, और जो गैप होता है, जो इंटरवल होता है, वो भी अपन ने देखा कि 1 महीने का डिफरेंस है, चाहे वो शुरू में हो, चाहे एंड में हो, और चाहे मिडिल में हो। आशा करता हूँ कि आपको औसत अवधि विधि से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना आ गया होगा। आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन यदि आपका कोई डाउट्स हो, यदि कोई सजेशंस हो, तो मोस्ट वेलकम है। अपने वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ।